नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत करती हूं सत्ता संग्राम में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। अनिल जी, तीसरे चरण का मतदान भी हो गया, चौथे चरण के मतदान में राजस्थान में भी 13 सीटों के लिए मतदान है, तो ऐसा नहीं लगता प्रदेश के अंदर बहुत एकदम परवान चढ़ चुका है चुनाव? नरेंद्र मोदी प्रदेश में आके सभा कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सभा की है, क्या कहते हैं, वाकई में एक माहौल बन चुका है प्रदेश में? राखी जी, कुछ इलाकों में हम घूम कर आए हैं, अजमेर में, भीलवाड़ा में, ऐसा सड़क पर कोई माहौल नहीं है जी। और अगर कोई माहौल है बातों में, चौराहों पे, चाय वालों के यहाँ पे, इधर उधर, तो नौजवान बैठते हैं या कुछ बैठते हैं तो मोदी 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 की चर्चा होती है जी। उसको काउंटर करने वाले लोग चुप दिख रहे हैं। अक्सर मैंने देखा कि कुछ लोग चुप रह जाते हैं, वो उससे सहमत नहीं है लेकिन असहमति जताते नहीं है। तो सतह पर जो मोदी 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 दिख रहा है, क्या कोई काउंटर फोर्स है जो धरातल के अंदर है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो वोकल नहीं है लोग। तो जो लोग वोकल है उनसे लग रहा है कि ऐसे कोई बिल्कुल एक धारा बह जाने वाली है पिछले चुनाव की तरह, लेकिन जिस तरह अशोक गहलोत की सभाओं में भीड़ आ रही है, हम सोमवार को सचिन पायलट की सभाओं को देख रहे थे अजमेर में, हर सभा में उसमें भीड़ आई, रघु शर्मा भी थे, प्रत्याशी रिजु झुंझुनवाला भी थे, तो हर सभा में भीड़ थी और सुन रहे थे लोग, तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल एकतरफा हो गया है। लेकिन आप सड़क पर घूमो, चाय वाले के यहाँ बैठो, किसी से बात करो, ऐसा लगता है बिल्कुल एकतरफा चुनाव है। तो जो लोग मोदी के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं, और ये हवा बन गई है कि जो मोदी के साथ है वही देशभक्त है, और जो मोदी के साथ नहीं है या जो मोदी से सवाल पूछ रहा है, मोदी की सरकार के 5 साल कामकाज पर कोई जिज्ञासा जाहिर कर रहा है, तो वो देशभक्त नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो सवाल पूछने वाले लोग चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर शायद उनमें कोई मंथन है या नहीं है, अभी कह नहीं सकते। वो मंथन भी है तो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वोट में कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के लिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर ये बात सही है कि जो वोकल लोग हैं ज़्यादातर वो हैं जो प्रो बीजेपी, प्रो मोदी हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि मोदी के भाषण से भी जी, वो बार बार कह रहे हैं मोदी करेगा ऐसा, मोदी करेगा ऐसा, भाजपा करेगी ऐसा जिक्र नहीं कर रहे, भाजपा सरकार का जिक्र नहीं कर रहे, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार नहीं है। तो भाजपा के कई लोगों ने जो संघनिष्ठ हैं उन्होंने भी दबी जबान पर ये बात एतराज के लहजे में कही कि तब जिंदगी भाजपा के लिए किया था काम। अनिल जी, ये ऐसा कैसा डर है कि कोई मतलब ये लोकतंत्र है, कोई मुखर होके बोल भी नहीं पा रहा इन बातों को? अगर यही कांग्रेस में बात आती कि एक बार गांधी सरकार, फिर वो तो धज्जियां बिखेरे थे सामने वाले उनकी, ये कांग्रेस को आता नहीं है। लेकिन मोदी का जादू, मतलब एक सम्मोहन जैसा उन्होंने क्रिएट कर रखा है, चूंकि वो अकेले ही भाषण दे रहे हैं जी, उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं, उनके नाम पर खिलाफत हो रही है, सब कुछ, वो धुरी बन गए चुनाव की। और धुरी बनने का सबसे ज़्यादा फायदा मोदी को ही है। अगर चुनाव स्थानीय मुद्दों से हट जाएगा, अगर चुनाव स्थानीय सांसद की कार्यकलापों से हट जाएगा, अगर चुनाव जातिवाद से हट जाएगा, अगर चुनाव सिर्फ देशभक्ति, मोदी और पाकिस्तान पर केंद्रित हो जाएगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। इसलिए अशोक गहलोत जगह जगह जाकर बोल भी रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी देशभक्त नहीं थी, पाकिस्तान दो टुकड़े करा दिए उन्होंने, बांग्लादेश बना दिया, देशभक्ति की का क्या पैमाना है, सेना का सपोर्ट ले रही है सरकार, सेना का बहाना बना रही है, जो भी वो आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अकेले ही दिख रहे हैं ऐसा आक्रमण करते हुए। तो जो शोर है देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, वो इतना उसमें इतना जोर है कि जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, ऑलमोस्ट मैंने कई जगह देखा उन्होंने जीता हुआ मान लिया अपने आप को जी। और मैं अजमेर में देख के आया कि बिल्कुल जैसे कोई प्रत्याशी सो ही गया हो, बैनर झंडे, जो चुनाव की हलचल होती थी, गाड़ी घोड़े, लोगों के पास जाना आना, संपर्क बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। यही स्थिति बीजेपी की भीलवाड़ा में थी, चित्तौड़ में जरूर थोड़ी मेहनत हो रही है बीजेपी में, लेकिन राजसमंद सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है। हाँ, राजसमंद में भी अभी होकर आई थी तो मैंने देखा कि क्योंकि नई है वहां पर, दिया कुमारी वहां के लिए नई है, पहली बार वहां गई है, तो वाकई में वो घूम रही है, जा रही है। बल्कि मुझे वहां कांग्रेस जब मैं पूरे दिन रही, इतना बहुत ज़्यादा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, दिया कुमारी मेहनत कर रही हैं वहाँ पे, वो सड़कों में निकल रही हैं। दो ही प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तीन दिख रहे हैं बल्कि बीजेपी के तो जी। एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत, चूंकि वैभव गहलोत सामने जी, बिल्कुल, तो वहाँ तो वो एक मिनट के लिए सांस ले नहीं सकते जी।
अफोर्ड ही नहीं कर सकते सांस लेना। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो 4 साल से लगे हुए थे, तो अब तो बिल्कुल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। हालांकि पहले बड़ा वो इजी दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से कृष्णा पूनिया उनके सामने आई उसके बाद मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी उन्होंने उन्होंने इसको सीरियसली लिया है थ्रेट को, और लेना भी चाहिए, किसी प्रत्याशी को इजीली लेना नहीं चाहिए। और वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जाति समीकरणों को भी जानते हैं, बाकी बहुत सारी बातें जानते हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत को बरकरार नहीं रखा बल्कि और ऊंचाइयां दी है। सामने कृष्णा पूनिया ओलंपियन है, तो वो उसको हल्के में नहीं ले रहे जी। लेकिन मैं अजमेर में देख रहा था, प्रत्याशी बिल्कुल हल्के में ले रहा है कांग्रेस को, भीलवाड़ा में हल्के में ले रहे हैं जी। और कई जगह मैं देखा इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि जैसे कोई हम तो जीत गए मोदी के नाम पर। तो क्या वास्तव में मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, और जो मोदी के नाम पर जीतेंगे वो जनता को 5 साल कोई काम करके दिखाएंगे भी, या कहेंगे मोदी को वोट दिया मोदी से मांगो जी। ये भी एक प्रश्न हमने प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरा इंटरव्यू किया था तो पूछा था उनसे। तो अभी बीजेपी के अधिकांश प्रत्याशी 2-3 को छोड़कर राजस्थान में मोदी के हवा के सारे हैं। कांग्रेस में मेहनत हो रही है, कांग्रेस में अजमेर में बहुत मेहनत हुई है, भीलवाड़ा में रामपाल शर्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जिस सीट को लोग मान ही नहीं रहे कांग्रेस खाते में, उस सीट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और कोटा में रामनारायण मीणा, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, वो मेहनत कर रहे हैं, राम नमोनारायण मीणा मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ बीजेपी भी मेहनत कर रही कोटा और टोंक में, लेकिन उस तरह नहीं कर रही जिस तरह की चैलेंज को सीरियसली लेना चाहिए। तो मोटे तौर पर प्रधानमंत्री आए थे, उनकी सभा हुई जोधपुर में, अच्छी सभा थी, उदयपुर में अच्छी सभा थी, लेकिन उन्होंने 2-3 बार बेशर्म कहा। राजस्थान की कल्चर में इस तरह की बात होती नहीं है सामान्यतः। और अशोक गहलोत को उन्होंने कहा कि वो बेटे को बचाने के लिए गली गली घूम रहे हैं, पूरे राजस्थान को भूल गए हैं, जबकि वो शायद उनको पूरा फीडबैक सही नहीं दिया गया, क्योंकि जो कैंडिडेट लड़ते हैं वो अपने लिए बताते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा चीफ मिनिस्टर ही लड़ रहा है सामने जी, वातावरण बनाने के लिए या उनको बुलाने के लिए जोधपुर में उन्होंने ऐसा किया होगा। तो गहलोत ने 25 सीटों पर नामांकन भराया, हर जगह आमसभा की, और प्रतिदिन 3 सभाएं कर रहे हैं राजस्थान के अलग अलग कोनों में जाके। खुद भी उन्होंने बयान में कहा कि मैं 25 दिन में दूसरी बार जोधपुर आया हूँ, और वैभव गहलोत सक्षम है। तो वो जो एक मुख्यमंत्री पर लाडले लाल को बचाने के लिए, लाडले लाल को जिताने के लिए मेहनत करने आरोप लगाया, क्या मोदी पीछे झांक कर देखेंगे वसुंधरा राजे की तरफ कि उन्होंने किस तरह दुष्यंत सिंह के करियर को बनाने के लिए, दुष्यंत सिंह को जिताने के लिए, सांसद बनाने के लिए, इतना ही नहीं मंत्री बनाने के लिए दिल्ली में 25 सांसदों को लेकर बैठ गई एक साथ, केंद्र में भी अपना दमखम दिखाया, मेरे बेटे को मंत्री बनाओ जी। तो मोदी उस तरफ नहीं देख रहे वसुंधरा राजे ने क्या किया, और अशोक गहलोत पर आरोप लगा। तो ये एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते मुझे असहज बात लगी। और ठीक है, राजनीति में शत्रु पर हमला और बोलना सब चलता रहता है, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने अशोक गहलोत का दिया, अशोक गहलोत पूरे राज्य में घूम रहे हैं, जगह जगह सभा कर रहे हैं, अंता में भी उन्होंने सभा की है दुष्यंत सिंह के इलाके में, उन्होंने कोई इलाका नहीं छोड़ा, राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ तो वो रहते ही मौजूद, 25 सीटों पर नामांकन की सभा में गए वो, फिर उन पर ये आरोप लगाना मुझे उचित नहीं लगता कि वो बेटे के लिए जोधपुर में गली गली घूम रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो गली में ऑटो से इसलिए घूमता हूँ, सीएम होता हूँ तो भी, नहीं होता हूँ तो भी, कि गाड़ी से जाऊँ तो रास्ते में ट्रैफिक रुक जाता है, लोगों को परेशानी होती है, तो मैं तो 20 साल से ऑटो में ही घूमता हूँ गलियों में। तो उस बात को उन्होंने उसको क्लियर भी किया, गली गली घूमने वाली बात को। पर अगर इसी बात को उलट के वसुंधरा राजे पर देखा जाए, दुष्यंत सिंह पर देखा जाए, तो मेरे ख्याल से मोदी जी को ये बात भी याद रखनी चाहिए किस तरह वसुंधरा राजे ने दुष्यंत सिंह को जिताने, दुष्यंत सिंह को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसलिए ये उदाहरण देना मुझे काबिल एतराज लगता है जी। बाकी तो मोदी में सम्मोहन है जी, उन्होंने सबको चौकीदार, मोदी चौकीदार, गांव गांव चौकीदार और गली गली चौकीदार और बच्चा बच्चा चौकीदार सब कर दिया उन्होंने, तो उनका जो सम्मोहन है वो अपनी जगह कायम है जी। अब वो कितना काम आता है, कितना वोट में कन्वर्ट आता है, होता है, और जितनी भीड़ आई उसके बाहर भी उसकी अपील है कि नहीं है। भीड़ तो राहुल हाँ। गांधी की सभा में बहुत जबरदस्त थी, देखिए दोनों पार्टियों के पास अपनी अपनी फॉलोइंग है जी। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो अपने समर्थकों को लाता है इकट्ठा करके, अपने नेता को सुनवाने के लिए साधन भी लगाता है, लोग अपने आप भी चल के आते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही मुखर हैं इस वक्त जी, और दोनों ही पूरी तीव्रता के साथ मुखर हैं। आने वाले 5-6 दिन ये लड़ाई बढ़ेगी, ये संघर्ष बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, जोखिम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा,
और 29 तारीख को मतदान होगा। बस लोग वोट देने जरूर जाएं, ये अपील हम जरूर अपने कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं। किसी को भी दें, देश बनाने के लिए दें, सत्ता बनाने के लिए दें, सत्ता बदलने के लिए दें, जो देना चाहें दें, जैसा लोगों को अच्छा लगे, पर वोट जरूर दें, ये हम अपील करना चाहते हैं।